हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे आईटीसी में आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय में, खास करके मैं बात करूँ लास्ट वीक की, तो यहाँ पे गिरावट का सिलसिला जारी रहा था। गिरावट के पीछे यहाँ पे बड़ी खबरें निकल करके आ रही है। और कल का दिन दोस्तों, कल है 1 फरवरी, बजट का दिन, और मुझे लगता है आईटीसी में हो सकता है, मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की, कि एक झटका लग सकता है। तो अगर आपने आईटीसी में माल लेकर के रखा है तो थोड़ा बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है। कर अगर निर्मला सीतारमण जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अनाउंसमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं आईटीसी पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है और क्या टारगेट आ सकते हैं नीचे और ऊपर की तरफ, वो बात करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखें, वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वोडाफोन आइडिया और IRFC के ऊपर ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे मैंने डाल करके रखे हैं, आज इन वीडियो को भी आप पूरी तरह से देख सकते हो। बात कर लेते हैं आईटीसी की सिचुएशन की। तो यहाँ पे देखिए, जो फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग 203.25 रुपये पे 3.35 रुपये डाउन जाकर के बंद हुआ था, 1.62% की गिरावट। और लास्ट आवर में यहाँ पे भयंकर सेलिंग देखने को मिली थी। यहाँ पे कारोबार देख लेते हैं कि गिरावट के बावजूद कारोबार कैसा रहा है। तो यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड आप देख सकते हो 203.25 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 1.62% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग देखें 206.60 रुपये, ओपन होता है 208 रुपये के आसपास। हाँ, यहाँ पे देखें दोस्तों, 208.80 रुपये लो 202.35 रुपये का फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 203.25 रुपये देखने को मिल रही है। कारोबार यहाँ पे तगड़ा हुआ है, 2,37,64,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करो 98,69,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अभी भी बढ़िया है, 41.5 थी। तो ऐसा नहीं है कि गिरावट के बावजूद यहाँ पे माल नहीं उठाया जा रहा है, गिरावट में लोग भर भर के माल उठा भी रहे हैं। हाल फिलहाल में एक, जैसे कि आपको पता होगा कि नवंबर मंथ में यहाँ पे बढ़िया रैली देखने को मिली थी आईटीसी में, तो ऊपर की तरफ से कितना करेक्ट हो चुका है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक वीक में 3.5% के आसपास करेक्ट हो चुका है, और एक मंथ की बात करें 4% के आसपास गिरावट हो चुकी है। हालांकि 3 महीने की टाइम फ्रेम पे अभी भी 24% के पॉजिटिव रिटर्न, और 6 महीने की टाइम फ्रेम पे 3.33% के पॉजिटिव रिटर्न, और यहाँ पे 1 साल के टाइम होराइजन पे 14% से आसपास के माइनस रिटर्न देखने को मिले हैं। यहाँ पे हाल फिलहाल में बात करें दोस्तों, पिछले कुछ समय में आईटीसी ने बहुत ज़्यादा निराश किया है, पर मुझे लगता है कि आईटीसी में पर्सनली कि आगे जाकर के बढ़िया समय रह सकता है, क्योंकि इसका यहाँ पे देखें सबूत, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने कितनी बड़ी होल्डिंग लेके रखी है। यहाँ पे बात करूँ कि पब्लिक के पास ही पूरी होल्डिंग है, प्रमोटर के पास कोई होल्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे FII और FPI की बात करें तो उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है ये थर्ड क्वार्टर में 12.96% से 13.31% करी है, और DII की बात करें 43.55 की होल्डिंग से 42.94 की होल्डिंग करी है। तो मामूली से यहाँ पे कटौती, और यहाँ पे मामूली सी थी, यहाँ पे इंक्रीमेंट भी FII की तरफ से इंक्रीज किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसके पास लगभग फ्लैट होल्डिंग है, थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है होल्डिंग में, तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी वो भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो बड़ी खबरें हैं, उसको डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कल होने वाला है, कल यानी कि बजट में, तो यहाँ पे रिपोर्ट निकल करके आया है investing.com की वेबसाइट पे। आईटीसी हैज डिक्लाइन 6% सिंस जनवरी 18, मतलब कि 18 जनवरी को जो हाई बना रहा था 221.22 के आसपास, वहाँ से 6% की गिरावट आ चुकी है। तो क्या यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बजट से पहले बाय करना सही होगा, क्योंकि अभी वो तो नहीं हो सकता क्योंकि कल ही बजट है। तो क्या सुबह बजट से पहले बाय कर सकते हैं आईटीसी में, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अगर यहाँ पे आपको पता होगा कि आईटीसी का मेन बिजनेस सिगरेट है, तो सिगरेट के ऊपर अगर ड्यूटी कम करना तो छोड़ो दोस्तों, कुछ ड्यूटी बढ़ाए भी नहीं तो भी आईटीसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और आईटीसी कल अगर ऐसा होता है तो बड़ी रैली भी दिखा सकता है, परंतु अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे और ज़्यादा टैक्सेशन लगाया गया तो थोड़ा बहुत प्रेशर आईटीसी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी न्यूज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। FMCG मेजर आईटीसी शेयर आर ट्रेडिंग एट 206.6, अराउंड 6% डाउन सिंस जनवरी 18। फैक्ट हैज बीन ट्रेडिंग दैट सिंस द स्टार्ट ऑफ 2021 आफ्टर मूविंग अप ऑलमोस्ट 30% फ्रॉम द नवंबर 1 टू डिसंबर 31। तो दोस्तों
नवंबर से दिसंबर के बीच 30% की अपसाइड के बाद यहाँ पे जनवरी में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे उसका मेन रीजन है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि सिगरेट और तोबैको के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन लगाया जाए, जिसको उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिले। और यहाँ पे जो लोग हैं तो सिगरेट पी रहे, तंबाकू कर रहे, खा रहे, उसके ऊपर रोक भी लगाया जाए, जिसके चलते यहाँ पे ITC को हमेशा डेंट लगता है। तो कल यही दोस्तों एक न्यूज़ है, जो कि कल अगर ऐसा अनाउंसमेंट कुछ हुआ, अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ इश्यू नहीं है, अगर अनाउंसमेंट ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे ITC में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो हाल फिलहाल की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से हाल फिलहाल में एक प्रपोजल आया था सिगरेट के ऊपर, कि पहले जो 18 की एज थी, जो कि स्मोकिंग एज थी, उसको बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया था, ताकि कम से कम युवा सिगरेट का सेवन करें। परंतु दोस्तों अभी जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि मुझे लगता है कि कल शायद ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट ना हो, क्योंकि अगर अनाउंस होना था तो ये पहले ही गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ना करती, जो एज लिमिट बढ़ाई गई उसका, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये प्रपोजल लाया गया है, तो कल यूनियन बजट में ये लाना मुझे अनलाइकली लगता है। और इसी के चलते ITC को यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा, अगर कुछ गवर्नमेंट ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करती, और फिर से शेयर ऊपर की चाल पकड़ सकता है। सेंट्रम इक्विटी रिसर्च फर्म का यहाँ पे ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में भले ITC को थोड़ा चैलेंज रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ये मेजर लेगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला, परंतु वो लॉन्ग टर्म में, मतलब कि अगले 1 साल के लिए, वो यहाँ पे टारगेट प्राइस 353 का दे रही है, और करंट प्राइस से 71% की अपसाइड उनको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़िया है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी पॉजिटिव ITC में नज़र आ रहे हैं। एक दूसरी न्यूज़ है, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक PDF डाउनलोड करके रखा है BSE की वेबसाइट से। यहाँ पे 11 फरवरी को बोर्ड मीटिंग होने वाली है ITC की, उसका जो यहाँ पे Q3 का रिजल्ट है उसको अप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों 11 तारीख भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ITC के लिए, तो इस तारीख को भी आपको याद रखना है अगर आप ITC में माल लेकर के बैठे हो। सीधा चलेंगे चार्ट पे, तो यहाँ पे चार्ट पे मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देखें 1 डे की टाइम फ्रेम पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए गिरावट हुई थी, उसके बाद यहाँ से बढ़िया बाउंस बैक भी हुआ था, और अभी हाल फिलहाल में बात करें तो 222 के आसपास का हाई मारा था। दोस्तों अभी एक टाइट रेंज में ITC चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें एक चैनल के माध्यम से यहाँ पे ITC ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो अभी आप देखोगे कि काफ़ी समय से ये चैनल के अराउंड ही घूम रहा है, जब से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तब की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर ये चैनल के बीच अभी घूम रहा है तो एकदम नीचे सपोर्ट साइड ही यहाँ पे ITC दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो मुझे लगता है आपको 197 का स्टॉप लॉस लेके आपको 224 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, अगर यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि यूनियन बजट में अगर कुछ नहीं आता बुरा ITC के लिए, तो फिर से वो अप मूव के लिए बिल्कुल तैयार हो सकता है। और दोस्तों अगर ये चैनल को ऊपर या नीचे की तरफ तोड़ा तो हमें बहुत बड़ी मूव दिखाई दे सकती है। अगर नीचे की तरफ तोड़ा तो 197, जैसे कि मैं बताया, अगर वो सपोर्ट है, अगर वो टूटा तो शॉर्ट टर्म में अभी 182 के लेवल तक भी आ सकता है नीचे की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ 224 रुपये टूटा दोस्तों, तो 235 और उसके बाद 250 के लेवल भी हमें जल्दी से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे RSI का लेवल 42.15 का है, तो RSI का लेवल थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं जाऊंगा, ITC को आप स्टडी करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जिस किसी ने 0 धामा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो मेरी दी गई लिंक से या फिर 0 धामा या तो फिर अपस्टॉक में अकाउंट खोल सकता है, दोनों की लिंक नीचे मिल जाएगी। अगर आप वहाँ से अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी, मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें आपको एंट्री दी जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।